घंटे से ज्यादा आप हर रोज कर पा रहे हैं पढ़ाई, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 मार्क्स से छूट गया था, तो उसको मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए, क्योंकि आप सफलता से बस थोड़े से दूर हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम डबल मेहनत से उसके तरफ लगना चाहिए कि, और वो आपको ज्यादा मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होकर मेहनत करेंगे, तो आपका नेक्स्ट टाइम आपका निकल जाएगा एग्जाम। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज व्हाट मेक्स यू सक्सेस इन दिस एग्जाम। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपकी मेहनत सच्ची होती है तो कठिन परिश्रम के बाद सफलता जरूर आपके पैर चूमती है। राजधानी रांची के रहने वाले हिमांशु लाल ने यूपीएससी में 509 रैंक हासिल किया है। एसटी न्यूज़ पर खुद बातचीत करने के लिए हिमांशु लाल और उनके परिवार हमारे साथ मौजूद है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हिमांशु जी और आपके पूरे परिवार को एसटी न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कितनी खुशी का पल है हिमांशु जी? जी जी, बहुत खुशी का पल है और आपका न्यूज चैनल का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और खासकर खुशखबरी भी इतने है कि आप हमारे कॉलोनी से ही हैं, तो खुशखबरी दुगनी हो जाती है। जी जी, ये जो आपको मिला ये मौका, कि कैसे इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, अपनी सफलता का श्रेय? जी देखिए, अपनी सफलता का श्रेय तो सबसे ज्यादा अपने माता पिता को देना चाहेंगे। मेरे भाई भी यहाँ पे हैं, तो उन्होंने मुझे हर वक्त मोटिवेट किया। जो भी डाउनफॉल्स हुए मेरे लाइफ में, फेलियर्स हुए, तो उसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा। और मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना किसी भी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, लाइफ अप्स एंड डाउन का ही एक पार्ट है। तो ऐसे में आपने कब, कितने अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर किया है? जी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट था, किस तरीके से, कैसे तैयारी की? मैंने एमटेक किया, बीटेक और एमटेक दोनों किया आईआईटी दिल्ली से, और 2021 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था। तो उस समय कोविड चल रहा था, तो मैंने यहीं से अपना थीसिस सबमिट किया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो आगे का करियर होना चाहिए वो पब्लिक सर्विस के लिए होना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज इसमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है इस देश में पब्लिक सर्विस के लिए। तो वहां पे मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस में मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, मेरा 3 मार्क्स से रह गया था। तो उस समय काफी निराशा हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे परिवार के साथ मेरा सपोर्ट था, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने दूसरे अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई किया। देखिए, जिस तरीके से आपके बेटे ने जो आपको खुशी दी है, इस खुशी को कैसे बयां करेंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, और माता पिता के लिए बच्चे जो भी अच्छे करते हैं तो माता पिता की ज्यादा खुशी मिलती है जी। इससे बड़ा और कोई खुशी नहीं होती। कितना संघर्षशील है आपका बेटा, शुरू से ही आप चाहते थे कि ये यूपीएससी, चाहते थे कि बेटा मेरा अच्छा करे, और बहुत मेहनत किए है इसने, उसे मेहनत में हम लोग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल, जब बच्चा तरक्की करता है तो उस तरक्की के पीछे जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो माता पिता होते हैं। तो ऐसे में पिता भी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए। आपकी इच्छा थी शुरू से कि ये कलेक्टर ही बने या कुछ और बने, ऐसा कुछ दबाव भी था आपका? नहीं, कोई दबाव नहीं था। हमारा था कि बेटा अच्छा करे, जो ब्राइट स्टूडेंट था, केरली का टॉपर भी रहा है अपना बैच का, और आगे हम सब बच्चे पर छोड़ दिए थे, जो भी करो बेटा मेरा सपोर्ट है, चाहे जहाँ जाना है। आप उसके लिए वो एमटेक करने गए तो हमको लगा कि नहीं, पीएचडी करके हायर स्टडी के लिए जाएंगे, फॉरन जाएंगे पढ़ेंगे, तो मेरे लिए गर्व की और बात हुई। लेकिन इस बीच कोरोना आ गया, कोरोना आने पर सब चीज चेंज हो गए ना। इनका जो मोटिवेशन, जो रिसर्च का जो प्लान उलान था, वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि घर बैठे हुए इनको डिग्री एमटेक का मिल गया, जो भी वर्क स्टडी फॉरम हूँ। तो हम लोगों ने बैठकर सब लोग कोरोना काल में डिस्कस किए कि हम भी तो एक पब्लिक सर्विस भी है देश की सेवा के लिए, इस पर थोड़ा झुकाव दीजिए। तो इन्होंने उसके बाद 2021 के बाद मोटिवेट हुआ कि नहीं, हमको करना चाहिए। तो इन्होंने इनके 2 साल के अथक परिश्रम और सेल्फ, यहीं पर इसी घर में रहकर इन्होंने परिश्रम किया और सफलता हासिल की।
इस HEC के इस विषम परिस्थिति में भी हमारे बच्चे जो भी दोनों बच्चे यहाँ किए हैं तो बहुत गर्व की बात है हमारे। सच में अभिभावक का एक बड़ा योगदान होता है। ऐसे में हमारे साथ हिमांशु लाल के बड़े भाई भी हैं। कैसा लग रहा है, कितनी बड़ी खुशी है? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं हमेशा देखता था पढ़ते और मेहनत बहुत ही करता था। मैंने जब ये न्यूज सुना तो मुझे काफी अच्छा लगा, फिर आगे करेगा जिंदगी में काफी अच्छा आगे बढ़ेगा। आप क्योंकि दोनों भाई आप लोग साथ में ही बड़े हुए हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा मतलब किसे पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा और किसे कम रहा? वो पढ़ाई कौन करता था वो तो आपको दिखे रहा है। तो शुरू से ये पढ़ाई काफी करता था, उसको काफी इंटरेस्ट रहता था, वो हमेशा मेहनत काफी करता था। हिमांशु जी आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आपने UPSC क्रैक किया है और आपने कहा कि दूसरे अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया, सबसे पहले आपको निराशा हाथ लगी, मात्र 3 नंबर से आप पिछड़ गए, तो ऐसे में एक मतलब एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा बन जाता है कि जब हमारा 1 या 2 नंबर से रह जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें सफलता मिल जाती है जो निराश होकर उस ट्रैक को चेंज कर देते हैं, लेकिन आपने उस ट्रैक को नहीं छोड़ा। और किस तरीके से कितना संघर्ष करना पड़ा, पढ़ाई कैसे की, कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया या खुद से सेल्फ स्टडी की, तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे, युवाओं को कैसे सजेस्ट करेंगे? देखिए जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 मार्क्स से छूट गया था तो उसको मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए क्योंकि आप सफलता से बस थोड़े से दूर हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम डबल मेहनत से उसके तरफ लगना चाहिए कि और वो आपको ज्यादा मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होकर मेहनत करेंगे तो आपका नेक्स्ट टाइम आपका निकल जाएगा एग्जाम। और जहां तक प्रिपरेशन की बात है तो मैंने अपने प्रिपरेशन घर से ही किया था, मेरा सेल्फ स्टडी था, मैंने किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरा मानना है कि कोचिंग से ज्यादा इस एग्जाम में सेल्फ स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में आप है कि अपने जो जितने सब्जेक्ट है उसको अच्छे से टाइम भी दे सकते हैं, उसको समझने का टाइम दे सकते हैं और उसके रिवीजन भी आपको अच्छा उसका समय मिलता है, जो इस एग्जाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको मेरा मानना है कि 3 से 4 मिनिमम होना ही चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से उसका अंडरस्टैंडिंग होता है और सब्जेक्ट याद रह जाते हैं। और कितने घंटे की पढ़ाई है, देखिए ये तो हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कहाँ तक वो कर जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस एग्जाम में कितने घंटे से ज्यादा आप हर रोज कर पा रहे हैं पढ़ाई, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज व्हाट मेक्स यू सक्सेस इन दिस एग्जाम। सो मेरा रहता था कि मैं रोज 7 घंटे से ज्यादा पढ़ पाऊँ और जब एग्जाम पास आता था तो मैं 10 घंटे चल जाता था। इस एग्जाम को कहते हैं कि जब आप UPSC जैसे एग्जाम जो कि सबसे कठिन परीक्षा ऐसे कहा जाता है, जब आप इस परीक्षा में लगते हैं तो आपको त्यागना पड़ता है दुनियादारी, दोस्त, परिवार, फोन, आपने त्यागा था सब? जी मेरा स्क्रीन टाइम तो काफी लिमिटेड हो गया था एग्जाम टाइम में और ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जब आपने एक गोल फोकस कर लिया है तो उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा, तो मेरे स्क्रीन टाइम्स काफी लिमिटेड हो गए थे जो कि मैक्सिमम मेरा स्टडी के लिए ही यूज होता था फोन्स। एंड दोस्तों से मेरा इंटरेक्शन था क्योंकि ऐसा है कि अगर आप 0 इंटरेक्शन कर दोगे, सिर्फ घर पे रहोगे तो पूरा बर्नआउट हो जाओगे, तो कभी कभार मेरा बीच में इंटरेक्शन भी रहता था दोस्तों से। चलिए भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हिमांशु लाल के मौसी है और ये सिर्फ हिमांशु लाल के नहीं, ये पूरे कॉलोनी की मौसी है जो इन्हें बधाई देने के लिए इनके घर पर पहुंची हुई है, तो हम थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप बधाई देने के लिए 1-2 बार नहीं 4-5 बार पहुंच चुकी है, इतनी खुशी आपको मिल रही है और ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि क्योंकि मैं भी इस कॉलोनी में रहती हूं तो इस कॉलोनी में 2-2 बच्चे ने UPSC क्रैक किया है, तो कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है, जब हम सुने कि रिजल्ट आ गया है तो हम कॉल किए तो इनका मम्मी का मोबाइल बिजी आ रहा था तो हमारे जो प्रीतिमी से उनका बेटा भी निकाला था तो उनको पूछे, फिर ऋषु के बारे में पूछे तो बताएंगे नहीं मौसी वो भी निकाल गए, फिर हम इनसे बात हुई और हमको पता नहीं चल रहा, हम खुशी से हमको लगता है आंसू निकाल रहे, इतना खुशी मैंने ऐसे तो हमको उम्मीद था कि ये लोग दोनों निकालेंगे ही निकालेंगे, इसलिए हमको ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। और हमारे हम उस समय गाँव में थे और हम लोग गाँव पे द्वार पे सब लोग बैठे हुए थे और इस न्यूज को सुन के हम लोग सब लोग बहुत सबको हम लोग बताने लगे कि हमारा एकदम बगल के ही अपने बच्चा है लोग और हमारे कॉलोनी के लोग दोनों शान हैं और हम भविष्य में चाहेंगे कि इनसे कुछ शिक्षा लें और भी बच्चे आगे निकले।
चलिए बिल्कुल, तो ये कॉलोनी किसान है और जिस तरीके से एचईसी की बात कर ले तो फिलहाल एचईसी की स्थिति हम सभी जान रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त एचईसी जो है वो डूबते कगार पर है, लेकिन इसके बावजूद एचईसी के जो रहने वाले जो लोग हैं और खासतौर पर यहाँ के जो बच्चे हैं वो तरक्की कर रहे हैं और हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि किस तरीके से एचईसी के दो बच्चे ने यूपीएससी क्रैक किया है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि परिश्रम का बस आप परिश्रम करते रहें और सफलता का कोई विकल्प नहीं है, कठिन परिश्रम आप करें सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।